ना हरी फातिमा, देखो कितना मोबाइल में मगन हुए हैं। तो बात सुनो बेटी, बेटी जो बच्चे पेट भर के नाश्ता करके जाते हैं ना, फुल पेट भर के फुल, वो फिर एक्टिव भी रहते हैं क्लास में, और फुल एक्टिव के साथ साथ जो है ना पढ़ाई में भी उनका इतना अच्छा दिल लगता है, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है रहीम फातिमा, और हाशिर भी बहुत अच्छा बच्चा है। हाशिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। रहीम फातिमा इतना एक्साइटेड है आज स्कूल जाने के लिए कि यूट्यूब फैमिली ये रात भर सोई नहीं है ना हाशिर। हाशिर तो माशाल्लाह 8 बजे ही सो गया था, कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा। हाँ हाशिर ने स्टडी बहुत ज़्यादा की थी जिसकी वजह से हाशिर बहुत ज़्यादा थक गए, और फिर हाशिर साहब जो है वो सो गए थे, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह हाशिर ने अपना पराठा भी फिनिश कर लिया। और हाशिर आज लंच में क्या लेके जा रहे हो? रोल पराठा जी, रोल पराठा। प्याज डालें उसमें, लच्छेदार प्याज जी। आपको तो नगेट्स अच्छे लगते हैं, आप छोटी हो ना अभी। जल्दी जल्दी फिनिश, जल्दी फिनिश, चबा चबा के खाओ हरीम। ये बच्चों की यूनिफॉर्म है बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हरीम फातिमा। तो मम्मा की बात यूट्यूब फैमिली तो देख रही है, यूट्यूब फैमिली कह रही है कि हरीम फातिमा, हाशिर देखो कितना अच्छा बच्चा, फिनिश करके अपना हवा खाने भी चले गया सुबह सुबह के टाइम। तुमने इतना ज़्यादा पराठा फिनिश किया, यही तो बात होती है। ओए भाई की शिकायत लगाने तो फटाफट एक्टिव हो जाती है हरीम फातिमा। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है ना आशे भाई। पान की तरह तुमने रखा हुआ है मुंह के अंदर, ये तो गलत बात है, सारी यूट्यूब फैमिली देख रही है। हरीम फातिमा, जब हरीम फातिमा यूट्यूब फैमिली मम्मा की बात नहीं मानती ना, तो मम्मा को दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ता है, वो कैमरे के पीछे होता है है ना हरीम। चलो कैमरा ऑफ करके अब हरीम फातिमा को अच्छे से मैं ये नाश्ता करवाती हूँ, ठीक है। ये देखिए यूट्यूब फैमिली हरीम पागल हो गई, हरीम फातिमा दांत खा खा के ना हो गई है पागल। हरीम फातिमा बिल्कुल नहीं नाश्ता खाती है, खाना खाती है, हरीम फातिमा खाना खाने की चोर है। और भाई भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा है खाना खाने में, बिल्कुल अच्छे से खाता है। अब हरीम फातिमा का एक हल मेरे पास आ गया। हरीम फातिमा को हम लोग एक सुई लगवा के आते हैं, उसको इंजेक्शन भी कहा जाता है। एक सुई लगेगी ना जोर वाली, बस बच्चा फिर उससे खाना खाने लग जाता है। हाशिर भाई को लास्ट टाइम पर ना वही इंजेक्शन लगा था, हाशिर याद है ना आपको। और यूट्यूब फैमिली को ये दिखाओ, हरीम ने ये कुर्सी भी तोड़ दी। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा अब हरीम फातिमा को एक इंजेक्शन लगेगा, यूट्यूब फैमिली हम आपको भी दिखाएंगे उस इंजेक्शन से, देखना हरीम फातिमा ऐसे तेज़ी के साथ खाना खाने लगेगी ना, ऐसी तेज़ी के साथ खाना खाने लगेगी कि मोटी हो जाएगी। हाशिर भाई अब देखो कितनी तेज़ी से खाना खा लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हरीम फातिमा को जब लगेगी ना यहाँ पे सुई, कहाँ पे, ये इसके बैक साइड पे लगेगी यहाँ पे। हाशिर भाई को डॉक्टर साहब ने बर्थडे वाले दिन गिफ्ट किया था, उन्होंने कहा हाशिर की आज बर्थडे, मैंने कहा जी, कह रहे अरे वाह भाई वाह, अभी अभी अच्छा वाला गिफ्ट देता हूँ। फिर वो आपको इतना एक्सपेंसिव टीका इंजेक्शन लगा दिया था डॉक्टर साहब ने और गिफ्ट कर दिया था, फीस भी तो दी थी इतनी सारी। हाशिर को इतना एक्सपेंसिव था हकीकत में, अब इसको तो हमें पैसों का लगाना पड़ेगा क्योंकि ये खाना नहीं खाती, हाशिर भाई भी नहीं खाते थे। वो इंजेक्शन की ऐसी तासीर थी ऐसी कि उससे किसने, अच्छा अभी तक आपने मुंह में ही रखा हुआ है ना। YouTube फैमिली इसकी एक और आपको गंदी बात बताऊं, हरीम फातिमा ना मुंह के अंदर रखती है बस, और अगर इसको बोलो ना सो जाओ मुंह पे रखती है तो ये सो भी जाएगी, चबाती नहीं है।
सारी शिकायतें आज ना मैंने बता दी यूट्यूब फैमिली को, सारी शिकायतें बता दी आपकी। पानी की तरह मम्मा पापा हाँ बेटी खा लो, शाबाश, अच्छी बच्ची बन जाओ। अच्छा वो नाश्ते का यहाँ सामान रखा हुआ उसमें से कुछ ले लो, वहाँ पर जाओ उसमें से ले लो बेटा, जल्दी करो, शाबाश। बिस्किट की बात कर रही हूँ, ये देखिए जरा कितनी गंदी ये यूट्यूब फैमिली, ये पता है क्या बोल रही है, ये पापड़ बोल रही है कि पापड़ रिंग वाले मुझे दे दो। ये सारी डॉक्टर साहब की वीडियो दिखाऊंगी, सारी वीडियो डॉक्टर साहब को भी दिखाऊंगी। डॉक्टर साहब आपको रिंग वाले पापड़ का नाम ले रही है ये लड़की, और इस लड़की को सिर्फ वही खिलाते रहे, ये खाती रहेगी खाती रहेगी, ये देखिए इसका हाथ खा खा के। यूट्यूब फैमिली इसके लिए लाइटर भी ला के रखना पड़ता है, जिसकी मदद से ना ये खाती है शूंग शूंग करके, लेकिन अभी इसकी भी बात नहीं मान रही, गंदी बच्ची, चलो गंदी बच्ची हरीम फातिमा। मैं तो ये जल्दी जल्दी मेरे स्कूल का लंच को जो है रेडी कर दिया इनके लिए, और नॉर्मल सा लंच, ये रोल पराठा और नगेट्स, पिंक कलर आप देखें हरीम फातिमा, ब्लू जो है ये लंच है हाशिर का, और यहाँ पर ठंडी ठंडी पानी की बोटल्स भी मैंने भर कर रख दी हैं, और इनका बैग रेडी करके इनको दे रही हूँ। व्हाट्स योर स्कूल नेम? कराची पब्लिक स्कूल। हाशिर तो स्मार्ट बॉय लग रहा है माशाल्लाह, फुल एक्साइटमेंट है। अच्छा अच्छा पढ़ के आओगे ना हाशिर? पहले मैं कराची पकड़ी पी थी, मेरी मिस सोफिया और मिस बली, मिस सोफिया और मिस सनीता मिस थी, मिस सनीता बहुत गुस्से वाली थी मिस। अच्छा छोटे छोटे बच्चों को तो टीचर गुस्सा ही नहीं करती, हाँ इतना प्यार से पढ़ाती है टीचर्स तो। हरीम फातिमा तो देखो प्यार ही मुझे, पारी करके जाओ पारी। थैंक यू। हरीम फातिमा का ना बैग देखें कितना खूबसूरत है, हरीम दिखाओ। अरे वाह वाह, बार्बी डॉल ने वॉश नहीं किया, अभी मैं वॉश कर लूँगी, ठीक है अभी छुट्टी आ रही है ना, फिर उसमें हम बैग वॉश कर लेंगे, स्कूल बैग वॉश कर लेंगे, ठीक है। हरीम बाय बाय। देखो मेरा बैग इतना अच्छा है, ये सेफ्टी के लिए इसमें बेल्ट भी है, और ना ये बारिश भी हो जाए ना, बारिश में बाहर से गीला होता है अंदर से नहीं, अंदर ये वाटर प्रूफ है, बुक्स गीली नहीं होंगी। तो जी जनाब मैं भी जा रही हूँ अब बच्चों को छोड़ने के लिए, अपने घर की सीढ़ियों से उतर रही हूँ और निकल रही हूँ बाहर की तरफ, और बाहर जाके जो है हस्बैंड अपनी गाड़ी को रेडी कर रहे हैं, बच्चे तैयार हैं, और देखिए कितना खुश हैं, और हम जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने। इतनी तो देखने में खास आ नहीं रही, बच्चे भी कम ही जा रहे हैं, इस तरीके का नहीं जैसे रश होता है सुबह के टाइम, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मंडे से ज़्यादा बच्चे जाएंगे, है ना, अभी छुट्टी पे ही है ना। खामोशी खामोशी है अभी सुबह के टाइम, वैन जा रही है लेकिन 8 बजे का स्कूल का टाइम, एक हाँ ये भी है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, तो हम लोग इसी टाइम पे जाते हैं हमेशा, जल्दी जाते हैं, यही टाइम होते हैं, हम पहले से पहले रेडी हो जाते हैं और छोड़ देते हैं बच्चों को।
क्रिएटिव फैमिली। तो बस मैं आ गई हूँ स्कूल बच्चों को छोड़ के। तो मैं अभी अभी आई हूँ बच्चों को स्कूल से छोड़ के। किचन मेरा आप देख सकते हो जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही है। अब मैं इसकी सफाई करूँगी, अभी नहीं, अब हम सोएंगे। यही थी मेरी सुबह की स्कूल भेजने की रूटीन। ठीक है, आज फर्स्ट डे था, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ बच्चे खुशी खुशी चले गए और हमने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी। अब किचन को थोड़ी सी ज़्यादा सफाई करनी तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। तो अब मैं सोऊंगी और खाना वगैरह आज का नहीं बनाना, मेरे पास सब दोनों टाइम का खाना मेरे पास रखा हुआ है। कल मैंने रख दिया था क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी, तो मैंने कल ही रख दिया था खाना। तो बस ये थी मेरी रूटीन बच्चों को स्कूल से भेजने की। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट करो, मुझे सपोर्ट करो। नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।